पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से नाराज छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के बंगले के पास पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच विजल ब्लोअर की तलाश में जुटी है। इसके लिए गूगल से भी सहयोग मांगा गया है। दरअसल इसी विजल ब्लोअर ने सीबीएसई चेयरपर्सन को परीक्षा से कई घंटे पहले ही एक वार्निंग ईमेल भेजा था। क्राइम ब्रांच ने इस ईमेल के बारे में गूगल से जवाब मांगा है। ये मेल जीमेल आईडी से भेजा गया था और इसमें हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों की तस्वीरें भी अटैच थी। व्हाट्सएप पर पेपर शेयर होने की खबरों के बीच क्राइम ब्रांच ने 10 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स की पहचान की है, जिसमें प्रत्येक में 50-60 सदस्य थे। जांच और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच पेपर लीक को लेकर 5 छात्रों के समूह ने प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। सीबीएसई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग के साथ साथ छात्रों ने कहा कि सीबीएसई की गलती की सजा सभी छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए।